नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हाउसफुल 4 तीसवें दिन, बाला 16वें दिन, मरजावा 9वें दिन और पागलपंती मूवी का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और साथ ही साथ बताएंगे इन सभी फिल्मों ने अब तक की है टोटल कितनी कमाई। मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूले और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको फिल्म और इंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म हाउसफुल 4 के बारे में। दोस्तों, हाउसफुल 4 मूवी ने बहुत ही शानदार कमाई करते हुए अब तक की 2019 की बड़ी बड़ी फिल्मों की छुट्टी कर दी है और बन चुकी है 2019 की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म। जी हाँ दोस्तों, हाउसफुल 4 ने बहुत ही धमाकेदार कमाई की है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाउसफुल 4 एक इपिक रेइनकार्नेशन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है, मगर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है और इस फिल्म का डायरेक्शन किया है फराज सामजी ने। और दोस्तों, फराज सामजी ने इस फिल्म में ठीक ठाक डायरेक्शन किया है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने। और अगर बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट की, तो इसमें आपको मुख्य किरदारों में नजर आए हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सैनन, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, राणा डग्गुबती, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, रंजीत जी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स। और अगर बात करें एक्टिंग की, तो दोस्तों आपको बता दें कि सुपरस्टार अक्षय कुमार सर ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बाला का किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। दोस्तों, बाला का किरदार बहुत ही कॉमिक है और लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि वो बाला के किरदार को कभी भूल नहीं पाएंगे। और अगर बात करें इस फिल्म के लिए रिव्यूज की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स के बहुत खराब रिव्यूज मिले, मगर ऑडियंस के बहुत अच्छे रिव्यूज मिले। ऑडियंस ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया। और अगर बात करें इस फिल्म के बजट की, तो दोस्तों आपको बता दें कि हाउसफुल 4 एक बड़े बजट की फिल्म है। इस फिल्म का बजट है लगभग 175 करोड़ रुपए। जी दोस्तों, 175 करोड़। दोस्तों, इस फिल्म का बजट इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। इस फिल्म में सेट्स बड़े बड़े लगे हैं और वीएफएक्स भी बहुत अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं। और अगर बात करें इस फिल्म के वर्डिक्ट की, तो दोस्तों आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर हाउसफुल 4 हो चुकी है सुपरहिट और दोस्तों हो सकता है ये ब्लॉकबस्टर भी हो जाए। और अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज की, तो आपको बता दें कि इसे इंडिया में लगभग 3,800 स्क्रीन पर, ओवरसीज में लगभग 700 स्क्रीन पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 4,500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें इसने अपने 29वें दिन इंडिया नेट पर कमाए लगभग 10 लाख रुपए और ये अपने 30वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर कमा सकती है लगभग 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 30वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर लगभग 50 लाख रुपए। इसका अब तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है लगभग 209 करोड़ 68 लाख रुपए। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है लगभग 246 करोड़ 50 लाख रुपए। इसने ओवरसीज से शानदार कमाई की है और कमाए है लगभग 48 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें इसने अब तक वर्ल्ड वाइड पर टोटल कमाई की है लगभग 294 करोड़ 50 लाख रुपए। जी दोस्तों, 294 करोड़ 50 लाख। दोस्तों, आपको क्या लगता है हाउसफुल 4 टोटल कितनी कमाई कर पाएगी? और आइए अब बात करते हैं बाला फिल्म के बारे में। दोस्तों, बाला एक अलग तरह की फिल्म है, अलग कंटेंट वाली फिल्म है, दमदार फिल्म है, जैसी कि फिल्में आयुष्मान खुराना हमेशा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बाला एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म का डायरेक्टर है अमर कौशिक। और दोस्तों, अमर कौशिक ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है। प्रोड्यूसर है दिनेश विजान। और इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको मुख्य किरदारों में नजर आए हैं आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम, सौरभ शुक्ला, सीमा पाहवा, जावेद जाफरी और अभिषेक बैनर्जी जैसे एक्टर्स। और अगर बात करें इस फिल्म में एक्टिंग की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर ने बहुत अच्छा काम किया है, बाकी सारे एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। और अगर बात करें इस फिल्म के लिए रिव्यूज की, तो आपको बता दें दोस्तों कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के ही बहुत अच्छे रिव्यूज मिले और ऑडियंस का बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला। और अगर बात करें इस फिल्म के बजट की, तो आपको बता दें कि बाला एक कम बजट की बहुत अच्छी फिल्म है। इस फिल्म का बजट है मात्र 25 करोड़ रुपए। और दोस्तों, मात्र 25 करोड़ के बजट में ये फिल्म बहुत ही शानदार बनी है। और अगर बात करें इस फिल्म के वर्डिक्ट की, तो दोस्तों आपको बता दें कि बाला वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर हो चुकी है ब्लॉकबस्टर और बहुत ही जल्द ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी हो जाएगी।
और अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज की तो दोस्तों आपको बता दें इसे इंडिया में लगभग 3000 स्क्रीन्स पर, ओवरसीज में लगभग 550 स्क्रीन्स पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 3550 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और अगर बात करें इस फिल्म की कमाई की तो दोस्तों आपको बता दें कि बाला अभी भी बहुत ही शानदार कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कई सारी फिल्में आ चुकी है मगर बाला फिल्म की कमाई अभी भी नहीं रुक रही है। इसने मरजावा फिल्म की कमाई भी रोक रखी है। और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो आपको बता दें इसने 15वें दिन इंडिया नेट पर कमाए लगभग 1 करोड़ रुपए और ये अपने 16वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर कमा सकती है लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए। इसका अब तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है लगभग 101 करोड़ 50 लाख रुपए। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है लगभग 119 करोड़ रुपए। इसने ओवरसीज से शानदार कमाई की है और कमाए है लगभग 25 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो आपको बता दें दोस्तों इसने वर्ल्ड वाइड पर टोटल कमाई की है लगभग 144 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 144 करोड़। दोस्तों आपको क्या लगता है बाला फिल्म टोटल कितनी कमाई कर पाएगी? और आइए अब बात करते हैं मरजावा फिल्म की। दोस्तों मरजावा एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी वही पुरानी है लेकिन इस फिल्म का भी स्क्रीन प्ले अच्छा है और डायरेक्शन भी अच्छा है। मरजावा फिल्म का डायरेक्शन किया है मिलाप जवेरी ने, प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, किशन कुमार, दिव्या खोसला कुमार, मोनिशा आडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल आडवाणी ने। और अगर बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट की तो इसमें आपको मुख्य किरदारों में नजर आए हैं रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया, रकुल प्रीत सिंह और भी कई सारे एक्टर्स। और अगर बात करें एक्टिंग की तो इस फिल्म में रितेश देशमुख ने अच्छा काम किया है, बाकी सारे एक्टर्स ने ठीक ठाक काम किया है। और अगर बात करें इस फिल्म के लिए रिव्यूज की तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले हैं ऑडियंस के भी और क्रिटिक्स के भी। और अगर बात करें इस फिल्म के बजट की तो आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट है लगभग 70 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 70 करोड़। और अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज की तो दोस्तों आपको बता दें इसे इंडिया में लगभग 2922 स्क्रीन्स पर, ओवरसीज में लगभग 300 स्क्रीन्स पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 3222 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और अगर बात करें इस फिल्म की कमाई की तो दोस्तों आपको बता दें कि मरजावा फिल्म ने ठीक ठाक ही कमाई की है। और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों आपको बता दें इसने अपने 8वें दिन इंडिया नेट पर कमाए लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए और ये अपने 9वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर कमा सकती है लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 9वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए। इसका अब तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है लगभग 41 करोड़ 87 लाख रुपए। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है लगभग 49 करोड़ रुपए। इसने ओवरसीज से कमाए हैं लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपए। और अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों आपको बता दें इसने वर्ल्ड वाइड पर टोटल कमाई की है लगभग 55 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 55 करोड़ 50 लाख। दोस्तों आपको क्या लगता है मरजावा फिल्म टोटल कितनी कमाई कर पाएगी, ये हिट हो पाएगी या नहीं? दोस्तों पागलपंती एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और जैसा इस फिल्म का नाम है बिल्कुल वैसी ही ये फिल्म बनी है। जी हाँ दोस्तों, पागलपंती और कॉमेडी से भरपूर। और इस फिल्म का डायरेक्शन किया है अनीस बिजवी ने। दोस्तों आपको बता दें कि अनीस बिजवी ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है। इस फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी है, स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है। इसे प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार ने, अभिषेक पाठक ने, किशन कुमार ने, कुमार मंगत पाठक ने। और अगर बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट की तो इसमें आपको मुख्य किरदारों में नजर आए हैं जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, असद वारसी, पुलकित सम्राट, कृति खरबंदा, इलियाना डिक्रूज, उर्वशी रोहतेला और सौरभ शुक्ला जैसे एक्टर्स। और अगर बात करें एक्टिंग की तो जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, सौरभ शुक्ला और असद वारसी इन सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, बाकी सारे एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है। और अगर बात करें इस फिल्म के लिए रिव्यूज की तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रिटिक्स के भी और ऑडियंस के भी। और अगर बात करें इस फिल्म के बजट की तो आपको बता दें कि पागलपंती मूवी का बजट है लगभग 60 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 60 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज की तो आपको बता दें इसे इंडिया में लगभग 3000 स्क्रीन्स पर, ओवरसीज में लगभग 400 स्क्रीन्स पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 3400 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। और अगर बात करें इस फिल्म की कमाई की तो दोस्तों आपको बता दें कि इससे जितनी उम्मीदें की जा रही थी इसने उतनी बड़ी ओपनिंग तो नहीं ली, मगर इस फिल्म को रिव्यूज अच्छे मिले हैं ये जरूर अच्छी कमाई करेगी।
और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों आपको बता दें इसने पहले दिन इंडियन नेट पर कमाए लगभग 7,30,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, इसने 7,30,00,000 की ओपनिंग ली इंडियन नेट से। और अगर बात करें इसके दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो ये आज इंडियन नेट से कमा सकती है लगभग 9,00,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, दूसरे दिन यानी कि आज इंडियन नेट पर लगभग 9,00,00,000 रुपए। इसका अब तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है लगभग 16,30,00,000 रुपए। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है लगभग 19,00,00,000 रुपए। इसने ओवरसीज से कमाए हैं लगभग 4,00,00,000 रुपए। और अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों आपको बता दें इसका दो दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है लगभग 23,00,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 23,00,00,000। दोस्तों आपको क्या लगता है पागलपंती मूवी टोटल कितनी कमाई कर पाएगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि कौन है आपका फेवरेट एक्टर। शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें।